अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशनल हॉल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली। नाजरीन, आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को सेनेटर बनने की पेशकश हुई है। ये ऑफर पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जानिब से हुई है। और एक ज़रा ये भी बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप मुश्तरक तौर पर हमारी तरफ से सेनेटर की ऑफर कबूल करें, लेकिन बदले में आपको हमारा साथ देना होगा। आप बेशक हमारे साथ ना चले, लेकिन आपको हमारे मंशूर की हिमायत करनी होगी। लेकिन हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा, हम हुकूमत से मुआहदा कर चुके हैं, हम किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम अपनी हिकमत अमली के तहत चलेंगे और आपकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और इस तरह से हाफिज साद हुसैन रिजवी ने सेनेटर बनने की ऑफर उनके मुंह पर दे मारी। नाजरीन, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, लेकिन मंजाम पर नहीं आई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनके मुकबदले में कोई और प्लान करते हैं या हाफिज साद हुसैन रिजवी की मिन्नतें करेंगे। नाजरीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का मीडिया तहरीक लब्बैक की खबरें नहीं देता। अगर आप तहरीक लब्बैक की मज़ीद खबरें और वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और